पतंग उड़ा रहा, वो यहाँ पार्टी खा गयो। यहाँ तो पहले भी गया, प्रशासन सो रहा था। खाली में अभी हमने छापे मारे हैं। चाइनीज में जो बेकार चीज नहीं बेचनी चाहिए, 5 रुपया चाहिए कम बच जाए आदमी का। लेकिन गवर्नमेंट ने ऊपर अंकुश लगावा के लिए कठोर कदम उठाना चाहिए। और आज भी अगर सादा डोर से उठाए तो ज्यादा बेहतर है। छोटी सी मासूम की 4 साल की, बिल्कुल की गलती की, बिल्कुल तो बिन दर्द सहन करना पड़े। कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी के लिए आज ही ज्वाइन करें फ्लिकी क्लासेस। ऑनलाइन तैयारी के लिए डाउनलोड करें फ्लिकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। राम राम साथियों, मैं महेंद्र चलको सिक्कर पर आपनों बहुत बहुत स्वागत है। अबार जी आप देख रहे हैं कि मकर संक्रांति अबड़ी है और बी के दौरान खूब सारा पतंग उड़सी और पतंग तो उड़ासी जगह उड़ासी, लेकिन लोग चाइनीज मांजा को ज्यादा ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। फतेहपुर की घटना है कि एक 4 साल की बच्ची भी को गड़ो खटको लगभग 30% तक गड़ो खटको, आर्टरी वगैरह भी दिख लगी। आप फोटो वगैरह तो दिखा सका, लेकिन एक अति छोटी सी मासूम 4 साल की गलती की तो बिन दर्द सहन करना पड़े। और बा हुई कि चाइनीज मांजा को आप ज्यादा ज्यादा आज भी यूज कर रहे हैं तो वो नहीं कर जाए। और बिके 13 टाका है जगह का बीते ने बिन तो पता चले कि हाँ के चीज है, लेकिन आप इन चीज ने एकदम बिल्कुल हड़का का मान लेवा। तो आज आप जगह आज दुकानदार ही ए लोग चाइनीज मान जो बेच रहे हैं, कौन बेच रहा या कौन सी जगह डोर बेच रहे हैं, बार थे कौन सी डोर बेच रहे हो बार? तो लोकल डोर बेचा सा का सादी डोर ही बेचा। तो इमर जिया चाइनीज डोर जगह पे बेची मां का मान कोई फर्क होगा पिसन मान? अब पिसन तो बड़ा फर्क होता है मेरे मान, फिर मान तो फिर वो नहीं, मैं तो पहली आलतारी में सब देख ली गुनी मां केन की वाले के मान, मतलब रुपए कम बची के मान। हां इन 5 रुपया कम ही बचे सर, इन तो फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान को नहीं करे कोई के टाबरा के और कर के। मैं तो आई खबर चाहूंगा भाई चाइनीज में जो बेकार चीज नहीं बेचनी चाहिए, 5 रुपया चाहिए कम बट जाए आदमी का, लेकिन थोड़ी अच्छी चीज बेचनी चाहिए जाए नुकसान ना करे। मारा तो दुकानदार इंसान वही खेना है जी, हो सके जटाता है जो कागज का पतंग है, कच्ची कागज का पतंग है, ये अपन बेचना चाहिए ताकि कोई प्रकृति ने कोई भी नुकसान को नहीं है, कोई जीव जंतु को कोई नुकसान को नहीं है। और जे गलत प्रकृति भूमि मिल भी जैसी है तो बढ़िया आपने खाद्य पदार्थ के रूप में एक खाद की पूर्ति कर सी। तो फतेहपुर की आपने घटना है अभी कमान 4 साल की मासूम बच्ची देखो गड़ा कटको, मतलब 30% तक कटको, आर्टरी वगैरह भी दिखी, मतलब अगर थोड़ी सी भी और होती तो जान हाथ धोने तो भी बेचारी की मासूम की कोई गलती भी होनी तो और फिर धड़ल हूँ। अगर आज चाइनीज मान जाए तो क्यों बिक्री थारे सब? प्रशासन गवर्नमेंट ने ऊपर अंकुश लगावा के लिए कठोर कदम उठाना चाहिए ताकि हर बच्चों है बूढ़ो है बुजुर्ग है, क्योंकि मोटरसाइकिल साधन पर भी चल है, कोई लड़को कोई लेडीज है कोई बच्चों धूप का धूप से एक बात आई भी तो बैठे है, मतलब न तो छात पर जाची। गवर्नमेंट ने और आम नागरिक ने भी जागबा की बहुत जरूरत है ताकि वो भी को विरोध करे, उसको विरोध रहना चाहे, बाकी और धागा तो बेचो कहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत को नहीं। मेरे पीछे देख रहे हो प्रशासनिक जगह अधिकारी ही अभी अलर्ट ही और चेकिंग हो रही है बढ़िया तरीका हूँ। तो हाल ये 15 दिन है, 15 दिन के बाद आप बढ़िया जो एक उचित कदम है वो उठा सका और जो की फुबाड़ी जन हानि है या कि दूसरी भी आप देख सकें कि कोई भी नुकसान हुआ हो वो बचा सका, इसलिए प्रशासन अलर्ट है, हर जगह दुकानें बंद चेक करी जा रही। डोर है कौन सी डोर बेच रहे हो? बरेली की डोर है। तो इकमान आज यहाँ आ तो टूट जाएगी? टूट जाए आज यहाँ सुतेड़ी है, लेकिन ये इकमान ऊपर जगह लेप हो क्या खाओ एक ऊपर लेप है लाई और बिगो कांच प्लास्टिक की सरकी हुए प्लास्टिक की डोर हुए इसको नहीं बेचनी चाहिए, ये सब मोहल्लों के अंदर बिक रही है, इन पर बैन लगाया जाए। अभी माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार शहर में टीमों का गठन किया गया है जिसमें डिप्टी साहब हैं, SDMM हैं और नगर परिषद हैं। हम संयुक्त रूप से शहर के विभिन्न स्थान जहाँ पे पतंगों की और मांझे की खरीद फरोख्त होती है निरीक्षण कर रहे हैं। हाल ही में अभी हमने छापे मारे हैं जिनमें बिसातियान चौक में हमें सफलता मिली है, एक दुकान पे हमने चरखियाँ जो चाइनीज मांझे की थी उसको उनको हमने पकड़ा है और साथ ही हम विभिन्न स्थानों पे कार्रवाइयों का अंजाम दे रहे हैं। इस मांझे से हम कह सकते हैं एक हथियार है, प्लास्टिक और चाइनीज मांझा का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए और इसकी खरीद फरोख्त पे भी बैन है। मन के लगे कि मतलब चाइनीज मांझा कौन भी करेगा बाहर चाइनीज मांझा मार्केट में कम है, आउट में ज्यादा मिल जाएगा आपको, आप बाजार में ये चीज कम है, बाजार में नहीं मिलेगा यह चीज़। अगर नहीं बेचे तो भी इतने दिन भी पहले भी लोग उड़ाते थे सादा डोर से, और आज भी अगर सादा डोर से उड़ाए तो ज़्यादा बेहतर है, पंछियों की हत्या नहीं होगी, छोटे बच्चे ज़्यादा शिकार होते हैं इसका तो छोटे बच्चों के लिए वो परेशानी नहीं होगी, मोटरसाइकिल पे छोटे बच्चे आगे बैठते वो बोल भी नहीं सकते, तो ऐसा कुछ पहले की तरह उड़ाए तो ज़्यादा बेहतर है, दीवार भी बना रहेगा और काम भी चलता रहेगा लोगों का। प्लास्टिक के भी हैं, कागज के भी हैं, अपने पास बरेली का भी है, रामपुर का भी है, जयपुर का भी है, सब व्यापारी भाई से अनुरोध अपील है कि प्लास्टिक के मांझे नहीं बेचे,
बेचे सब बड़े का मांझा बेचे। तो सर एक मान कोई फर्क भी होगा, बेनिफिट में फर्क होगा सर इसमें क्या मतलब है ना, अभी इसमें थोड़ा सेल कम हुआ है, प्लास्टिक मांझे को बढ़ावा मिल रहा है और अपना ये बरेली वाला मांझा ये कम हो रहा है। तो हाल भी मतलब एक मांझा जगह लोग बेच रहे हैं जो चाइनीज मांझे, तो क्यों बेच रहे हैं, ज्यादा प्रॉफिट है बहुत ज्यादा? नहीं सर प्रॉफिट है सर, मेरे को इसका मेरे को नॉलेज नहीं सर, हम तो भले का मांझा बेचते हैं, हमें तो इसी का नॉलेज है। तो जी आप देखें कि प्रशासन अलर्ट है, जी के बावजूद लोग कह रहे हैं कि जी अबार ओपन जी की मार्केट का मान दुकान नहीं बम तो कोनी, लेकिन जी की पीछे जी के मोहल्ला का मान दुकान नहीं या फिर धड़लों कटे और कटे तो मतलब चोरी छुपे आज भी मतलब जी चाइनीज मांझा ही बिक रहे हैं। और आप एक पेरेंट्स भी बात करिए, बच्चा की भी पहली चॉइस हुई कि चाइनीज मांझा, क्योंकि चाइनीज मांझा जो है थोड़ा पाको और कट्टा कोनी, लेकिन एज का पेरेंट्स भी अगर कोई इनकी गलती करें चाइनीज मांझा खरीद रहे हैं तो प्लीज इस पर कोई संज्ञान ली। आप ठनके लग रहे चाइनीज मांझा बिक रहे क्या? अभी चाइनीज मांझा बिक रहा है मोहल्लों के अंदर बिक रहा है, यहाँ तो पहले बिक गया, प्रशासन सो रहा था, मोटे पैसे प्रशासक है वो अपनी जेब में डाल लिया, 4 साल की लड़की थी उसको वो गर्दन कट गया, 14 टांकियां हैं, प्रशासन सो रहा है, जाग नहीं रहा, प्रशासन सो रहा है। लेकिन ये प्रशासन तो बात हुई तो अधिकारी करेंगे भाई, मैं तो पूरी कार्रवाई करी और मानव सफलता भी मिली है, संतुष्ट हो कार्रवाई से, बड़ा अधिकारी है, पिसा मोगड़ा खाया है मतलब, और चाइनीज मान जो अभी भी बिक रहे हैं, अब चाहो तो बिना ये बैग मतलब की बाजार में मिल जाए, बैग कार्टून जानबूझ कर रहे हैं प्रशासन, कोई कार्रवाई है बोले, और अगस्त से है 8-9 महीनों अगस्त से बिक बो चालू हो जाए है धीरे धीरे के नाम मतलब, सरकार चेता है के जटा तोड़ी तो के नाम बिक जाए। फतेहपुर का मान 4 साल की बच्ची मासूम बिको 30% गड़ो कटको बिको वो आज का चाइनीज मान जो वो, तो अभी भी लोग धड़लाओ इन यूज करें तो ठीक है, प्रशासन भी अगर, क्योंकि अगर प्रशासन अगर बढ़िया तरीका काम करे तो बंद कर सके, तो बंद कर दो तो फिर काम सटे, तो थाने के लग रहे प्रशासन क्यों बंद कर रहे हो? क्यों बंद कर रहे तो कोई मतलब कोई कारण तो बंद करना चाहिए, क्योंकि ना हो कुछ तो होना तो चाहिए भाई। मैं चाइनीज मंजे के बारे में ये बचाऊँ की जी हाँ अपना बहुत सा नुकसान हुआ है, यहाँ कदे अपना मोटरसाइकिल पर चलता रहे वहाँ भी नुकसान हुआ है, कटा बच्चा भी जी हाँ नुकसान हुआ है, बाकी लिए चाइनीज का विशेष तौर पर बंद करना चाहिए चाइनीज डागो, और इसे अपना बहुत सी जानवर हुए नाली हुए कई चीजा नुकसान हुए इन बंदी करना चाहिए। तो थारे सम के सकती हूं कई कदम उठाना चाहिए जगह का काम करेंगे, सकती तो आई है चाइनीज डागो जी आ बेटा साहब बेटा से सकती उठा आप तो बेच वाला ने कहीं जे रोक बा को नहीं सकते जगह से आवा बेटा से सकती उठनी चाहिए, एक्टिव एक्टिव वगैरह बंद होनी चाहिए मेन चीज, बिल्कुल मेन चीज तो वही है। तो यहां के बचावा क्या फैक्ट्री मैं बैठे हूँ रोक लागे कि जिना 20 साल से बंद हुआ है, कहें कि कई दुर्घटना हुआ है जिसमें मतलब मोटरसाइकिल से चल रहा गर्दन वर्दन है और पक्षी भी दुर्घटना में हुआ है, चाइनीज मन जो बंद हुए जना ठीक रहे, टाबरा के कोई ला जाए हाथ भी कटे है कई बार, 10 साल को बच्चा हो वो लास्ट ईयर अठे गिर गई कमान और बात तो शुक्र रही हो कि कोई हानि को नहीं हुई। हाँ ये सब बाद में बनाईडी है हमारी, और बच्चों अड़े 10 साल को हो जो अड़ाई का नीचा पड़ गो तो वो काफी टाइम से कभी को थोड़ा पैर वेर में तकलीफ रही, लेकिन तकलीफ रहने के बाद में मैं यही कहना चाहूँ कोई बच्चों छात पर चढ़े वो भाई आपने सेफ्टी करे या उनके गार्जियन सेफ्टी करे भाई घर वाले, बिक के बाद में थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा ध्यान रखे हुए, चाइनीज मान जो है इस पर बैन लगना चाहिए और बच्चा के लिए जो सुरक्षित माहौल बनाना चाहिए सरकार ने। हाँ इन्हें पतन उड़ाया था हमारा नवासा 10 साल का था वो नीचे पड़ गयो तो नीचे से मैं कूदी इस पर से बच्चा पीछे पतंग उड़ा रहा हुआ यहाँ पलटी खा गयो, मारी बहू बोली नहीं बोलो छोरा पड़ गयो, तो फिर मैं उठी मैं देखी तो वो आवाज दे रही तो आवाज ही नहीं दिया, वो जे दिया करे फिर नीचे कूद के उसको उठाई मैं, बेहोश हो गया। 4-5-10 दिन के अंदर जैसे सबने अपने अपने बच्चों का ध्यान ख्याल रखना, ऐसा कोई घटना हो ना सके जो हमारे संगत घटना हो गई। तो अब तो थोड़ा बच्चों जी ठीक है, अब तो ठीक है हमारा बच्चा अल्लाह करम है। तो भी टाइम को मान दो मतलब जी आप देख सका कि एंटीजियर में की बीती होगी कि खुद अति जगह 10-15 फीट की ऊंचाई कूदगा और भी के बाद में आपका जगह बच्चा हॉस्पिटल लेके गया, तो आज घटना जी है आपके साथ हुई भगवान करे और कोई के साथ ना हो, और जगह भी पेरेंट्स देख रहे हो तो थारा बच्चा ने बिल्कुल संभाल के रखे, और ये 10-15 दिन की जो बात है तो आज कुछ को सर्वे हो बीको पर थारी केयर आए थे कमेंट में जरूर बता दो, अगर थाने वीडियो चोखो लगे तो थे वीडियो लाइक कर दो, थारा चोखा मित्र के साथ शेयर कर दो और चैनल पर नया हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर दो, मेला का ये वीडियो कमान, तब तक के लिए राम राम साहब, जय सिक्कर, जय राजस्थान, जय हिंद।